हमारे विधानसभा क्षेत्र की दृष्टि से यदि हम विचार करें तो भोपाल, इंदौर और देवास, इन तीनों जो हॉस्पिटलिटी के बड़े सेंटर हैं वहाँ से हमारी दूरी बहुत ज़्यादा है। इसलिए जब कोरोना के मरीज पहले दौर में आना शुरू हुए और मरीजों में दूसरे तीसरे दिन ही बीमारी को लेकर ज़्यादा गंभीर लक्षण दिखने लगे, हमने अपने यहाँ के कई मरीजों को अमलतास हॉस्पिटल देवास जिला अस्पताल भेजा, लेकिन वहाँ भी मरीजों की जरूरत से ज़्यादा आमद होने के कारण मरीजों को परेशानी हुई। शुरुआत के 5-6-7 दिनों तक हमने अमलतास और देवास के जिला अस्पताल के भरोसे अपने यहाँ के कई मरीजों को रेफर किया। चूंकि बीमारी के लक्षण बहुत ज़्यादा गंभीर थे इसलिए उसमें से हम अधिकांश लोगों को नहीं बचा पाए, लेकिन हमने उसी दिन यह तय कर लिया था कि हमें कोरोना की इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपने यहाँ पर ऐसे कुछ इंतजाम करना पड़ेंगे जिसके कारण हम अपने मरीजों को यहाँ रखकर ठीक कर सकें या कम से कम ऑक्सीजन की व्यवस्था तो करा सकें। इसके लिए हमने खातेगांव में कोविड केयर सेंटर सबसे पहले जिले का चालू किया। लगभग 150 से अधिक मरीज, 200 के आसपास मरीज चालू हुआ तब से वहाँ पर भर्ती हुए और मुझे कहते हुए संतोष है मन में कि लगभग 90% से अधिक मरीज वहाँ से अच्छे होकर गए। डॉक्टरों की टीम ने कम संसाधनों में भी मरीजों को बचाने का काम किया। शुरू में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी ऑक्सीजन की सप्लाई की, पूरे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन का संकट था, लेकिन हमने इंदौर से, पीथमपुर से, देवास से, मंडीदीप से गाड़ियां भेजकर सिविल अस्पताल कन्नौज और खातेगांव में ऑक्सीजन की यथासंभव आपूर्ति करने का प्रयास किया। और मैं कह सकता हूँ कि जिले में, प्रदेश में कई CHC पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन का संकट आया, लेकिन कन्नौज खातेगांव के अस्पतालों में उस तरह का संकट हमने ऑक्सीजन का नहीं आने दिया जैसा अन्य जगहों पर हमको देखने के लिए मिला। कन्नौज में ऑक्सीजन टीम और खातेगांव की ऑक्सीजन टीम और कई सारे हमारे समाज सेवियों ने फ्लो मीटर से लेकर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर जो व्यावसायिक उपयोग के थे वो भी इस अभियान के लिए प्रदान किए, जिसके कारण गंभीर किस्म के मरीजों को घर पहुंचाकर भी ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रही। बहुत सारे लोगों ने इस संकट की घड़ी में बहुत सकारात्मक सहयोग शासन प्रशासन को दिया। खातेगांव चूंकि बड़ी जगह है इसलिए यहाँ के निजी डॉक्टरों ने भी अपनी जान की नहीं परवाह करते हुए अपने अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने का प्रयास किया। कुछ जगह से शिकायतें भी हमको मिली कि ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, हमने कमेटी भेजकर वहाँ पर उसको भी दिखवाया और यथासंभव पैथोलॉजी लैब वाले हों या अस्पताल के प्राइवेट अस्पताल वाले हों उनकी भी दरें तय कराकर मरीजों को यथासंभव जो मदद हो सकती वो दिलाने का प्रयास किया। जिला प्रशासन के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जीवन रक्षक दवाएं, इंजेक्शन, उसकी जितनी अच्छी आपूर्ति हो सकती थी वो हमने कराने का प्रयास किया। संकट के समय में विधायक निधि के माध्यम से लगभग 20 लाख रुपए की सामग्री, जिसमें फेविफ्लू दवाएं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बायपेप मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल एनालाइजर, इसके अलावा फ्लो मीटर, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन और भी छोटे छोटे कई साजो सामान हमने कन्नौज और खातेगांव, नेमावर, पानीगांव, हरणगांव के स्वास्थ्य केंद्रों को दिलाने का काम किया। ऑक्सीजन के सिलेंडरों की संख्या भी हमने बढ़ाई और इन सब एक्सरसाइज का परिणाम ये हुआ कि हमारे कोविड केयर सेंटर में बीच में लाइट जाने की भी समस्या थी, वहाँ पर दोनों जगह जनरेटर लगाए गए। शुरुआत में प्रशासन के माध्यम से नाश्ता, भोजन, चाय की व्यवस्था हुई, बाद में कई
संस्थाएं उन्होंने वहां जाकर मरीजों को जूस से लेकर चाय, नाश्ता, भोजन तक भी उपलब्ध कराने का काम किया। इसके लिए सब संस्थाएं बधाई की पात्र हैं। भविष्य में बीमारी और ज्यादा फैल सकती है, इसकी संभावनाओं को देखते हुए अब हमें अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं पर पुनर्विचार करने का भी अवसर मिला। इस बीमारी ने हमको ये सिखाया कि हमारे पास किन किन संसाधनों की कमी है, गंभीर परिस्थितियों के मरीजों को संभालने के लिए हमारे पास और क्या क्या होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें ध्यान में आई, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट का काम जिस व्यक्ति को दिया गया था वो खुद कोरोना पॉजिटिव होकर गंभीर रूप से बीमार हो गया था, हॉस्पिटलाइज हुआ, बीच में उससे बात करना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी जानकारी मिली है कि वो पहले से सुधार हुआ है उसको। तो अगले 3-4 दिन में उसने कहा है कि मैं आकर प्लांट यहाँ पर स्थापित कर जाऊँ। इस प्लांट के स्थापित होने के बाद ऑक्सीजन में हमारी खातेगांव विधानसभा आत्मनिर्भर हो जाएगी। लगभग 50 सिलेंडर पर डे के हमको यहाँ पर भरे हुए मिल जाया करेंगे, जिसके कारण भविष्य में हम अपने मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति यही कर सकेंगे। खातेगांव के अस्पताल का काम भी चल रहा है, लॉकडाउन के कारण मजदूर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमने ये टारगेट लिया है कि अगले 4 महीने में इस बिल्डिंग को भी हम तैयार कर दें। जो पुरानी बिल्डिंग है उसके 2 कमरों को हम कोविड केयर सेंटर के रूप में यहीं पर डेवलप करेंगे। सेंट्रल लाइन भी डाली जाएगी ताकि ऑक्सीजन प्लांट से सीधा वहां पर प्रत्येक बेड पर मरीज को ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। वैज्ञानिकों ने ऐसी आशंका जताई कि अगली जो तीसरी लहर आ सकती है उसका प्रभाव बच्चों पर ज्यादा होगा, इसलिए हमने कन्नौज और खातेगांव के दोनों सेंटरों के डॉक्टरों से, बीएमओ से कहा है कि बच्चों के संक्रमण की स्थिति में छोटे वाले ऑक्सीजन मास्क, छोटी निडिल, सिरिंज और अन्य जीवन रक्षक उपाय जो दवाएं हैं उनका पर्याप्त बंदोबस्त हम समय से पहले कर लें। अभी भी जिन मरीजों को रेमडेसिविर लगाया जा रहा है और इसके अलावा भी ब्लड के क्लॉट जमने के कारण खून पतला करने के इंजेक्शन जो लगाए जा रहे हैं उनकी उपलब्धता हमने अपने माध्यम से करने का प्रयास किया है। जिला स्टोर से भी हमने मांगे हैं और अभी ऐसे मरीजों को हम अपनी तरफ से जिस मेडिकल स्टोर पर वो मिल रहा है वो निशुल्क दिला रहे हैं। आयुष्मान योजना में हमारे विधानसभा क्षेत्र को फर्स्ट रैंकिंग मिली है। हमारे यहाँ आयुष्मान में बहुत अच्छा काम हुआ है, इस बात को सरकार ने भी सराहा है। हमारे कोविड केयर सेंटर के दोनों तीनों डॉक्टरों को के काम को सरकार ने बहुत अच्छे से सराहा है कि आपने इतनी छोटी जगह पर इतना व्यवस्थाएं जमा कर इंदौर भोपाल रेफर होने वाले केसेस को रोका है। डिलीवरी होने वाली जिन महिलाओं को डिलीवरी होने वाली थी उनको भी यथासंभव हमने, उनका कार्य भी प्रभावित नहीं हो, इसलिए दोनों सेंटर जो हमारे कन्नौज खातेगांव के हैं वहां पर डिलीवरी भी निर्बाध रूप से होती रही। हमने 108 का एक अतिरिक्त पॉइंट खातेगांव में स्वीकृत कराया है। हमारे खातेगांव का जो विपरीत विधानसभा का जो 108 का बेड़ा है उसमें एक एम्बुलेंस हमें खातेगांव के लिए और 108 की तरफ से पॉइंट मिल गया है। इसके बाद भी मेरी स्वयं की ऐसी इच्छा शुरू से रही है कि खातेगांव कन्नौज में गंभीर किस्म के मरीजों को रेफर करते समय एम्बुलेंस किसी प्रकार की बाधा नहीं रहे, इसलिए 2 एम्बुलेंस हमने क्रय करने के लिए विधायक निधि से विभाग को पत्र लिख दिया था। क्योंकि इस समय एम्बुलेंस की शॉर्टेज पूरे भारतवर्ष में थी इसलिए 1 एम्बुलेंस कल हमको मिल गई है। अगले 7 दिनों में 1 सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस हमको खातेगांव के लिए भी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा हमने ये भी अगली हमारी कार्य योजना में लिया है, खातेगांव के अस्पताल को एक सिटी स्कैन मशीन हम राज्य सरकार के माध्यम से और एक सोनोग्राफी मशीन दोनों अतिशीघ्र लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के लिए हमको टेक्नीशियन और सोनोलॉजिस्ट का एक पूरी टीम लगेगी, इसलिए पहले हम पद स्वीकृत कराएंगे उसके बाद इन दोनों मशीनों को यहाँ पर लाने के लिए काम करेंगे। कोरोना के इस महामारी के दौरान बहुत सारे परिवारों में दुखद प्रसंग आए हैं, हमारे कई साथी इस महामारी में हमसे दूर हुए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार से हम सब ने मांग की थी कि कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है ऐसे लोगों को राज्य सरकार की तरफ से कुछ न कुछ सहायता राशि पीड़ित परिवारों को मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख रुपए की राशि
स्वीकृत करिए प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार के लिए, वो हम अतिशीघ्र सब लोगों को दिलवाएंगे। जिन परिवारों में अभिभावक शांत हो गए हैं, अभिभावक नहीं बचे हैं, उन नाबालिग बच्चों की परवरिश की चिंता मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। उनकी पढ़ाई से लेकर प्रतिमाह उनको 5,000 रुपये महीने की पेंशन मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से मिलेगी जब तक वो बालिग नहीं हो जाते। इसलिए ऐसे कोई नाम यदि आपके जहन में आते हैं तो वो भी महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से उसका फॉर्म जमा करा के आप हम सब मिलकर उनकी अतिशीघ्र पेंशन चालू कराएंगे। निश्चित ही महामारी का दौर बहुत खतरनाक था और अभी भी हम उससे पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। हमने तय किया है ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरी क्षेत्रों में जिस वार्ड में जिस गांव में एक भी कोरोना संक्रमित बचेगा उस पर फोकस करके उसको संक्रमण मुक्त कराएंगे, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे और गांव को और मोहल्ले को कोरोना मुक्त घोषित करेंगे। उसके बाद उस क्षेत्र को खोला जाएगा। आप सबके माध्यम से मेरा व्यापारी भाइयों से भी आग्रह, आपने असीम धैर्य का परिचय पिछले 1.5 माह में दिया है। व्यापार व्यवसाय सब बंद रख के आपने इस कोरोना की महामारी को लड़ने में प्रशासन का सहयोग दिया है और इस कारण हम इस चेन को तोड़ने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई गांवों से पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। जब तक आखिरी केस ठीक होकर घर नहीं जाता तब तक हमारी ये लड़ाई कोरोना के विरुद्ध जारी रहेगी। इसलिए हम सब लोग इस दिशा में भी प्रयास करें। हमने टेस्टिंग की क्षमता हमारी बढ़ाई है। पहले लोग कहते थे कि 20-25 टेस्ट भी नहीं हो पा रहे, रैपिड किट भी हमारे यहाँ नहीं मिल रहे, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट बहुत लेट आ रही है। 24 घंटे में आरटीपीसीआर की रिपोर्ट हमारी अब आने लगी है। प्रतिदिन लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र में 350-400 के आसपास सैंपलिंग करा रहे हैं, गाँव गाँव टीम भेज रहे हैं। कल भी सुकेड़ी, गुन्नास, मोला ऐसे गाँव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जाकर 50-50, 60-60 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए, उनकी रिपोर्ट उन तक पहुंचाई और जो पॉजिटिव निकल रहे हैं डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी रख रही है। अगर उनको आइसोलेशन में रखना है तो वहां रख के उनका उपचार करने का हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इतनी बड़ी त्रासदी के बाद हमको अब उन परिवारों के पुनर्वास की और चिंता करना है, इसलिए ये काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। बीच में शवदाह के लिए लकड़ी की कहीं पर दिक्कत आई थी, हमने उसकी व्यवस्था कराने का भी प्रयास किया। शव वाहन दोनों नगर पंचायतों को 1.5 साल पहले ही दे दिए गए, लेकिन चूंकि सभी अपने अपने साधनों से नेमावर ले जाते हैं इसलिए कभी उसकी आवश्यकता नहीं लगी। उनको वापस दुरुस्त करा के दोनों नगर पंचायतों में रख दिया गया है। भगवान न करे कभी उनके उपयोग की नौबत आए, हम यही प्रार्थना परमपिता परमात्मा से करते हैं। लेकिन उसके बाद भी शव को नेमावर या शवदाह स्थल तक ले जाने की आवश्यकता लगे तो दोनों ट्रालियां कन्नौज और खातेगांव नगर पंचायत में नगरीय निकायों के पास उपलब्ध है। हमने इस महामारी के दौर में भी तीनों नगर पंचायतों में सैनिटाइजेशन के लिए प्रयास किया, सैनिटाइज नगर को कराने का भी काम किया गया। कई ग्राम पंचायतों ने भी, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छे से अपनी ग्राम पंचायतों में सैनिटाइजेशन का काम किया। कुछ ग्राम पंचायतों ने अनाउंसमेंट भी किया, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। कुछ ग्राम पंचायतों ने अपने गाँव में दीवार लेखन करके लोगों को जागरूक करने का काम किया। इन सब के बाद भी जीवन निरंतर चलता रहना चाहिए, इसलिए गेहूं की खरीदी भी चलती रही, चने की खरीदी भी चलती रही। हमारे बहुत सारे हम्माल, बहुत सारे इस कार्य में लगे हुए लोग संक्रमित हुए, कुछ लोगों की जान भी गई, इस सब का हमें बहुत दुख है। लेकिन जीवन को निरंतर चलना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। हम इस महामारी के दौर से जल्दी उभरें, सदमे से लोग उभरें, सब एक दूसरे की हिम्मत बनकर काम करें, ये हम सब का प्रयास होना चाहिए। कुछ केंद्रों पर गेहूं की ट्रालियां शेष बच गई थी, उनको भी तुलवाने का काम किया गया है। भुगतान में समस्या आ रही थी, जो हमारी जिला सहकारी बैंक की खातेगांव और कन्नौज ब्रांच है, पिछले 2-3 दिनों से उनको कैश कम मात्रा में मिल रहा था, लेकिन कल महाप्रबंधक से और जिला प्रशासन से बात करके दोनों जगह जो अमाउंट उनको मिल रहा था उसको 1 करोड़ से अधिक कराया गया है, ताकि किसानों का जितना भुगतान है एक दिन में उसे किस्तों में न दिया जाकर एक ही दिन में वो भुगतान उस तक पहुंच जाए। ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदे के लिए भी किसान लोग मांग कर रहे हैं, हम उसके लिए भी प्रयास करते हैं कि अतिशीघ्र हमारे यहाँ पर मूँग खरीदी भी किसानों की भावना के अनुरूप प्रारंभ हो जाए। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान
सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार ने 3 माह का राशन अप्रैल मई जून और केंद्र सरकार के द्वारा 2 माह का राशन मई और जून का वो हितग्राहियों को निशुल्क प्रदान किया गया है। खाद्य पर्ची बनाने का काम भी अभी चल रहा है। आप सबको भी लगता है कि किसी परिवार में बहुत ज़्यादा राशन की दिक्कत है तो संबंधित नगरी निकाय में या ग्राम पंचायतों में संपर्क करके आप उनकी अस्थायी खाद्य पर्ची जारी करा सकते हैं जिससे उनको 3 माह का राशन मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है राशन देने में बहुत उदारतापूर्वक हम सबको काम करना है। लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र में 90% के आसपास 3 माह का राशन वितरित किया जा चुका है। जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी वहाँ पर टीम भेजकर काम कराया गया, राशन वितरण कराया गया है। कुछ सेल्समैन संक्रमित भी हो गए थे, किसी की मृत्यु भी हो गई थी, इस कारण थोड़ा बहुत कार्य प्रभावित हुआ है। लेकिन जो 2 माह का निःशुल्क राशन है 1 जून से उसका भी वितरण उपभोक्ताओं को प्रारंभ हो जाएगा। मेरा आप सबसे आग्रह है जितना सहयोग आपने इस पूरे लॉकडाउन के दौरान दिया जनता का भी हम बहुत आभार मानते हैं। और निश्चित ही इस महामारी ने हमको सिखाया है कि हमें कौन कौन सी तैयारियां और करना है। आज हमें दानदाताओं के माध्यम से 2 बायपेप मशीन खातेगांव में, 2 बायपेप मशीन कन्नौज में मिली है जिन्हें मिनी वेंटिलेटर कहा जाता है। उसके कारण हमने कई गंभीर किस्म के मरीजों को जिन्हें इंदौर भेजना जरूरी होता उनको यहीं पर बायपेप लगाकर उनकी जान बचाने का काम किया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास अब पर्याप्त मात्रा में हो गए, चार पाँच कंसंट्रेटर खातेगांव में दान में मिले हैं, 4-5 कन्नौज में दान में मिले हैं। सरकार से भी हमको 4-4 कंसंट्रेटर विधायक निधि से दोनों जगहों के लिए मिल गए हैं और भी हमने मांग कर रखी है। बायपेप मशीन भी हमें जिला प्रशासन के माध्यम से खातेगांव में, 1 कन्नौज में मिल गई है। कुल मिलाकर 3 बायपेप हमारे पास खातेगांव में, 3 बायपेप कन्नौज में और लगभग 10-10 कंसंट्रेटर, उससे भी अधिक हो सकती है संख्या, खातेगांव में वो हमारे पास अब उपलब्ध है। हम अब ये चाहते हैं भगवान न करे तीसरी लहर आए, लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो उसके हिसाब से हमको अपने इस पूरे जो इंतजाम हमने जुटाया है इसको लगातार तैयार रखना पड़ेगा। अभी भी कोई संक्रमित मरीज आपके नज़र में आता है तो उसकी RT-PCR और रैपिड जांच दोनों होने की व्यवस्था खातेगांव में भी है, नेमावर में भी है, कन्नौज में भी है। आप हम सब मिलकर जिस तरह इस बीमारी से अभी तक लड़ते आए हैं ऐसे लड़ाई जारी रखेंगे तो मुझे विश्वास है हम आने वाले और कई संकटों का मुकाबला अच्छे से कर पाएंगे। सकारात्मकता के साथ जिन सब लोगों ने शासन प्रशासन को इस अभियान में सहयोग दिया उसके लिए मैं पुनः आप सब पत्रकार मित्रों के साथ उन सब स्वयंसेवी संस्थाओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसे आप बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से 1 लाख रुपया कोरोना से जो मृत्यु हुई है उनको मिलने, बहुत अच्छी योजना सरकार ने चालू की है, तो आपके हिसाब से सरकारी डाटा में खातेगांव विधानसभा में, खातेगांव और कन्नौज में कितने मृतक अभी तक रजिस्टर्ड हैं कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है? देखिए जानकारी इसकी एकत्रित की जा रही है। मैंने परसों भी सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों को और 3 नगर पंचायतों के CMS को ये कहा है कि आपके हमारे पास नेमार में भी मुक्तिधाम है, वहाँ पर हमारे विधानसभा क्षेत्र के अलावा भी कई जगह के शवदाह होते हैं। नर्मदा किनारे के कई घाटों पर शवदाह हुए हैं लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता सबको लगती है, इसलिए ये डाटा एकत्रित किया जा रहा है। क्योंकि ये सारणी में भर के हमको पूरा डाटा सरकार को भी भेजना है, सभी विभागों की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसी को संबल योजना का लाभ मिलना है, किसी को इस योजना का लाभ मिलना है, इसलिए कोरोना के कारण कितनी मृत्यु हुई है इसकी जानकारी अभी दे पाना संभव नहीं है। ये जानकारी एकत्रित की जा रही है, 2-3 दिन में वो डाटा तो आप सबके पास पहुंच ही जाएगा कि कोरोना पॉजिटिव होने के कारण इतने लोगों की मृत्यु हुई है। इसलिए उन सबको हम शासन के माध्यम से जो अनुकंपा, जितने शासकीय कर्मचारियों का निधन हुआ है उनके हमने अनुकंपा के नौकरी के लिए फॉर्म भरवाए हैं, कई शिक्षकों के परिवारों को जो विभाग से राशि मिलती है मृत्यु होने पर वो हमने दिलाने का प्रयास किया है, वो उनके परिवार तक पहुंच भी गई है। लेकिन इसके अलावा भी कोरोना संक्रमण के कारण जितने भी लोगों की जान गई है उनको सरकार से उनके परिवार को जो मदद यथासंभव मिल सकेगी वो दिलाने के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे और मदद उनको दिलाएंगे। वो परिवार अकेले नहीं है,
वो हम सब समाज जनों की चिंता है, हम जनप्रतिनिधियों की चिंता है। एक चीज और थी कि जैसे जिन परिवार की किसी सदस्य की कोरोना से मौत हो गई है, अब वो लोग एक माह के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए, नगर परिषद द्वारा उनके मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवाया जा रहा। देखिए मृत्यु रजिस्टर में 7 दिन के अंदर इंदिराज मौत को कराया जाता है, शमशान हो या कब्रिस्तान हो वहाँ पर भी एक रजिस्टर जहाँ तक मेरी जानकारी है रखा रहता है, वहाँ के रिकॉर्ड से भी इन संस्थाओं में मौत दर्ज हो जाती है। जिस अस्पताल में इलाज कराते समय उस मरीज की मृत्यु हुई है वहाँ पर भी वो मृत्यु दर्ज होती है, और जहाँ दाह संस्कार या उसको शव को दफनाने की प्रक्रिया होती है वहाँ पर भी उसकी एंट्री होती है। दोनों जगह की एंट्री के आधार पर आप मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित निकाय से प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी को भी मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में दिक्कत आ रही हो तो वो मुझसे भी सीधे संपर्क कर सकता है या अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। कुछ लोगों की जिनकी अमलतास में मृत्यु हुई थी वहाँ पर उनको मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में कुछ दिक्कत आ रही थी, हमने बात की तो उन दोनों तीनों लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र वहाँ से जारी है। उल्लास का एक मामला आया था जिसमें यहाँ नगर परिषद के 3-4 दिन से आ रहे हैं वो लोग, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं, उनकी मृत्यु अगर यहाँ हुई है खातेगांव सिविल अस्पताल या कोविड सेंटर में तो उनका मृत्यु का प्रमाण पत्र यहाँ से मिलेगा, अन्यथा जिस ग्राम पंचायत में उनकी मृत्यु हुई है वहाँ से ग्राम पंचायत दे। अच्छा एक चीज़ और थी भैया, जैसे कल शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की कि जिनके पास एंटी रैपिड और RT-PCR उसमें यदि वो पॉजिटिव आएंगे तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब जैसे आपको मालूम है कि अपने यहाँ पे शुरू में RT-PCR की रिपोर्ट 7-7 दिन में आ रही थी और उस कारण से लोग करा नहीं पाए, बीच में रैपिड टेस्टिंग किट भी नहीं थी, लोगों ने प्राइवेट रैपिड करा के और अपना इलाज कराया और उस दौरान उनकी मृत्यु हुई। तो जो प्राइवेट लैब्स वाले थे उन्होंने किसी को भी अपने लेटर पेज पे पॉजिटिव है ये लिख के नहीं दिया, बट डॉक्टर्स ने उनका इलाज एज ए सस्पेक्टिव कोविड पेशेंट के लिए किया। तो अब उन पेशेंट्स के लिए अपन जो डेथ हो गई है जिनकी, उनके लिए क्या अपनी तरफ से या सरकार की तरफ से अपन मदद कर सकते? देखिए अभी तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि आयुष्मान कार्ड जिन लोगों के नहीं बने पहले हम वो बनवा लें ताकि भविष्य में बीमार होने पर भी उनको आयुष्मान योजना के अंतर्गत उन अस्पतालों में इलाज करवाया जा सके। हमारे यहाँ के खातेगांव के प्राइवेट हॉस्पिटल को और तो सतवास के भी एक हॉस्पिटल को हम आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत लाना चाहते हैं, दोनों अस्पताल वेल सेटल्ड है, इसलिए वहाँ पर अगर उस योजना का लाभ मिलेगा तो हम अपने यहाँ के गरीब लोगों का इलाज उन अस्पतालों में भी करा सकेंगे, पहली बात। दूसरी बात, चूँकि सरकार ने इस योजना की घोषणा की है, निश्चित ही आपकी बात 100% सत्य है कि कई लोग रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव आए, उसके बाद अस्पतालों में भर्ती हुए, अस्पतालों में भर्ती रहते वो उनका निधन हुआ। जिन अस्पतालों में भी, जिन कोविड केयर सेंटरों में भी, जहाँ पर भी उनका इलाज हुआ है उसकी सिटी स्कैन रिपोर्ट भी उन परिवारों के पास है, स्कैन हो या एक्सरे हो या डॉक्टर का ट्रीटमेंट हो, कहीं ना कहीं उससे ये बात परिलक्षित होती है कि ये कोविड के कारण ही इसकी डेथ हुई है। तो ऐसे जितने भी मामले आएंगे उन सबको मानवीय आधार पर हम स्वीकृत कराने के लिए सरकार के स्तर पर भरपूर प्रयास करेंगे और उनको कराएंगे, क्योंकि निश्चित ही महामारी के इस दौर में मेरा ऐसा मानना है कि अधिकतम मौतें जो हुई हैं वो कोरोना के कारण ही, इक्का दुक्का जरूर ऐसा हुआ होगा कि कोई पुरानी बीमारी के कारण, हार्ट के कारण, कैंसर के कारण, लेकिन जिन भी लोगों का इलाज कोविड गाइडलाइन के अनुरूप हुआ है उन सब के नामों की सूची हम भी अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से एकत्रित कर रहे हैं।